हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि थायराइड है तो रोज खाएं ये एक चीज, थायराइड ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर क्या कारण हो सकता है जिससे कि थायराइड होता है। इसके साथ ये जानते हैं कि थायराइड का आसान सा इलाज क्या है, थायराइड में क्या चीज खानी चाहिए, थायराइड में कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी, चाहे आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथिक ले रहे हैं या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। किसी भी ट्रीटमेंट में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि कौन सी चीजों को नहीं खाना और कौन सी चीजों को खाना है। इसके अलावा जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो सबसे पहले कवर किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि थायराइड होता है। तो प्रेगनेंसी टाइम में थायराइड हो जाता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी थायराइड हो जाता है। इसके अलावा तीसरी चीज जो बहुत मेन है वो है सोया प्रोटीन, सोया कैप्सूल या फिर सोया पाउडर के ज्यादा यूज से, यानी कि सोया प्रोडक्ट जितने भी हैं उनका ज्यादा यूज करने से भी थायराइड की प्रॉब्लम आती है। थायराइड ग्रंथि जब अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका स्तर या फिर बढ़ने लगता है या फिर घटने लगता है, तो ये थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा बॉडी में ओमेगा 3, सेलेनियम, जिंक, इन चीजों को अगर हम लेते रहे तो थायराइड कभी नहीं होगा और कभी ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में नहीं आ सकती। तो सबसे पहले कवर करते हैं कि थायराइड का इलाज कौन सा है। दवाई से भी ज्यादा कारगर है, लेकिन आप दवाई के साथ ही इसे रेगुलर रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दवाई कम होती जाएगी और एंड में दवाई छूट जाएगी और ये दोबारा थायराइड भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने सुबह उठकर एलोवेरा जूस के 4 चम्मच आधा कप पानी के साथ जरूर लेनी है। एलोवेरा जूस ये हमारे थायराइड ग्लैंड को भी प्रॉपर काम करवाता है। इसके अलावा आपने मछली जरूर खानी है अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। इसमें बहुत सारा सेलेनियम और जिंक होता है जो कि थायराइड को ठीक करने में बहुत कारगर है। इसके अलावा आपने ओमेगा 3 चीजें लेनी है। ओमेगा 3 सबसे ज्यादा अलसी में होता है। आप सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते के टाइम पर रोस्टेड की हुई और पाउडर बनाई हुई 1 चम्मच अलसी जरूर खाइए जिनको थायराइड है। ये थायराइड को ठीक करने की बेस्ट चीज है। इसके अलावा आप वॉलनट भिगो कर खा सकते हैं, नहीं तो आप वॉलनट वैसे भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है गेहूं के स्प्राउट। गेहूं के स्प्राउट का आपने नाम सुना होगा, जैसे मूंगी के स्प्राउट निकलते हैं, चने के स्प्राउट बनते हैं, उसी हिसाब से आप गेहूं के स्प्राउट बना लीजिए और इसका सेवन रोज ब्रेकफास्ट में कीजिए। अगर आप इसका सेवन ब्रेकफास्ट में करते हैं तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको थायराइड हो और वो ठीक नहीं हो। इसके अलावा दिन में कभी भी 1-2 बार जैसे सौंफ खाई जाती है, वैसे ही आप मुलट्ठी मुंह में चबाएं थोड़ा सा पीस, ये थायराइड ग्लैंड को ठीक करती है। अब जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने खानी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं खानी। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी। आपने फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं खानी। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खानी, ब्रेड नहीं खानी, व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल का यूज नहीं करना, मिर्च मसाले वाला भोजन आपने नहीं खाना, सोया ऑयल या सोया प्रोडक्ट का यूज आपने नहीं करना। इसके अलावा अगर आप दूध पी रहे हैं तो उस पर क्रीम यानी मलाई नहीं होनी चाहिए, सफेद नमक का यूज नहीं करना, मूली के पत्तों का यूज भी नहीं करना खाने में। इसके अलावा रेड मीट नहीं खानी, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना और अल्कोहल यानी चाय और कॉफी का यूज भी नहीं कर। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने जरूर खानी है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, यानी डाइट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सैलेड में आप प्याज कच्चा खाइए, खीरा खाइए, गाजर खाइए और स्प्राउट खाइए। इसके अलावा फली वाली जितनी भी चीजें होती हैं, फलियां होती हैं, उसमें बहुत सारा सेलेनियम, जिंक और आयरन, प्रोटीन होता है जो थायराइड को ठीक करने में बहुत कारगर है। आलू को हमेशा ही उबाल के खाइए और शकरकंद को भी उबाल कर खाइए। आपने व्हाइट राइस नहीं खानी, लेकिन आप ब्राउन राइस जरूर खाइएगा। दूध और दही लेनी है, लेकिन क्रीम नहीं होनी चाहिए। दही भी अगर आप बना रहे हैं तो वो भी क्रीम उतरे हुए दूध की ही बनाइए। इसके अलावा कौन से फ्रूट ऐसे हैं जो बहुत ही कारगर हैं थायराइड को ठीक करने में, तो आप सेब खाइए, पाइनएप्पल, कीवी, अनार। अनार में बहुत सारा विटामिन ए, बी, सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि थायराइड को ठीक करते हैं। इसके अलावा आप खरबूजा खाइए, इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है जो थायराइड को ठीक करता है। जूस के रूप में आपने क्या करना है, ऑरेंज का जूस पीजिए, अंगूर का जूस पीजिए, पाइनएप्पल यानी अनानास का जूस पीजिए और गाजर का जूस। आप दो चीजें और लेनी है, वो है ग्रीन टी। आपने सिंपल चाय नहीं पीनी जो चाय पत्ती में होती है, लेकिन आपने ग्रीन टी दिन में 1-2 बार जरूर लेनी है। इसके अलावा आप अदरक वाली चाय भी जरूर पीजिए, यानी पानी में अदरक को क्रश करके डाल दीजिए और ये चाय बन गई अदरक वाली, ये जरूर पीजिए। इसमें बहुत सारा मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम होता है जो थायराइड को ठीक करने में बहुत कारगर है। तेल के रूप में आप कोकोनट तेल का यूज कीजिए खाने को पकाने के लिए, आप ओट्स खा सकते हैं जो बहुत फायदेमंद है। अब जानते हैं थायराइड का वो
प्रेशर पॉइंट जो आपने रोजाना प्रेस करना है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड का पॉइंट आपने अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों में प्रेस करना है, जो कि दिन में आप 3 से 4 बार प्रेस जरूर कीजिए। हाथों की ये एरिया जो होता है, यानी कि ये एरिया जब आप प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दर्द फील हो रहा है। ये ही ऐसे ही आपने सेकंड दूसरे हाथ पे करना है और पैरों पर भी इसी एरिया पर आपने प्रेस करना है। ये थायराइड का पॉइंट है, दिन में 4 से 5 बार जरूर कीजिए, बहुत हेल्पफुल है थायराइड को ठीक करने में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।